नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइनेक्स किंग्स में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपने स्वैप मेमोरी या स्वैप स्पेस के बारे में सुना होगा, पर दोस्तों आप लोगों को ये नहीं पता कि जो स्वैप स्पेस है वो होता क्या है, या फिर स्वैप जो मेमोरी है वो किस काम में आता है। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो स्वैप स्पेस या स्वैप मेमोरी है वो होता क्या है, किस काम में आता है, और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो स्वैप मेमोरी होती है, हम उसको स्वैप स्पेस भी बोल सकते हैं या फिर स्वैप मेमोरी बोल सकते हैं। दोनों जो वर्ड है वो करेक्ट है, लेकिन अब ये बात आती है कि हमें जो स्वैप स्पेस या स्वैप मेमोरी है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो दो तरीके की डिस्क पे काम करता है। एक तो होती है रैम और एक होता है हार्ड ड्राइव। ठीक है, रैम क्या करता है, हमारे जो भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको लोड करने का काम कौन करता है, रैम करता है। और हमारे जो स्टोरेज डिवाइस का काम कौन करता है, हार्ड ड्राइव। तो जब हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ लोड कर लेते हैं तो हमारे जो रैम है उस जो रैम है उसका जो साइज़ है वो मतलब कि फिल हो जाता है, उसके रैम के ऊपर साइज अवेलेबल नहीं होता है। और हमारा जो पीसी है या फिर सिस्टम है वो कभी कभी क्या करता है, लैग करने लग जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हैंग होने लग जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैप का यूज लेते हैं। तो दोस्तों, हम स्वैप को दो तरीके से लाइनक्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो होता है पार्टीशन के थ्रू और दूसरा किसी भी रेगुलर फाइल के थ्रू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रेगुलर फाइल के थ्रू हम जो स्वैप है उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेगुलर फाइल पे स्वैप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरा RHEL 7 और ये मेरा टर्मिनल। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से देख सकें। तो दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे, कोई भी रेगुलर फाइल। चलिए पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मेरा जो सिस्टम है उसमें कितनी रैम फ्री है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है free-m। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये मेरे सिस्टम में जो भी रैम अवेलेबल है या फिर स्वैप मेमोरी जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरे पास जो मैंने जो सिस्टम को रैम दे रखी है वो है 3.5 GB। ठीक है, और उसमें से इसने 480 MB का यूज ले रखा है और अभी 2.5 GB के लगभग अभी स्पेस अवेलेबल है। ऐसे इसमें जो 2 GB का स्वैप स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है। तो दोस्तों, अब अपन सीखेंगे हम भी किसी रेगुलर फाइल को कैसे स्वैप मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक रेगुलर फाइल क्रिएट करनी होगी जो कि हम DD कमांड के थ्रू यू क्रिएट करेंगे। तो DD स्पेस इफ इक्वल स्लैश देव स्लैश ज़ीरो। दोस्तों, हम यहाँ पे ज़ीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देव SDA1 कर दोगे या फिर SDA कर दोगे या फिर इसके अलावा आप नल कर दोगे, तो इसमें क्या होता है, उस फाइल में अगर आप देव SDA करोगे तो उसका जो साइज है वो मतलब कि जो फाइल है वो कम्प्लीटली फिल होती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास पानी का वो भरा हुआ है या फिर मतलब कि आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो स्पेस खाली होता है हम केवल उसी को यूज ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे अगर हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो उस फाइल में अपने पास कोई भी डेटा नहीं होगा, तो वो कम्प्लीटली जो फाइल साइज होता है उसको हम यूज ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जीरो यूज लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे स्पेस फिर OF आउटपुट फाइल, यहाँ पे क्या नाम देना चाहेंगे हम, यहाँ पे उसको स्वैप के नाम से ही सेव करेंगे। ठीक है, बेस साइज आप क्या रखना चाहोगे, मैं यहाँ पे 1 MB रखूँगा। ठीक है, स्पेस अब काउंट आप यहाँ पे उसका जो साइज है टोटल कितना साइज रखना चाहते हो, मैं उसको 500 MB अलॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 500 काउंट ही लिखना है, मतलब काउंट ही लिखना है यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट में, इसके अलावा कुछ भी राइट नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप लोग देखोगे कुछ ही सेकेंड में ये एक जो हमारी रेगुलर फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। चलिए इसको चेक करते हैं, ls-la। ठीक है, तो इसमें हमारी एक फाइल है स्वैप के नाम से। ठीक है,
इसका साइज़ है 524 डॉट कुछ, ये KB के अंदर साइज़ दिखा रहा है। तो लगभग ये हमारे 500 MB का साइज़ क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्वैप रेगुलर फाइल है उसको हम स्वैप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ लेने जा रहे हैं वो है पहले mkswap। जैसे हम किसी भी पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद में उसको यूज़ लेने से पहले फॉर्मेट मारते हैं, तो इसको भी हमें mkswap कमांड के थ्रू उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये स्वैप के लिए इसको यूजेबल बनाना पड़ेगा। तो mkswap कमांड के थ्रू हम वो करेंगे। अब mkswap के बाद में हम यहाँ पे डायरेक्ट स्वैप राइट कर देंगे। जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन, ठीक है, ये जो स्वैप है इसको स्वैप स्पेस के लिए सेटिंग अप कर दिया गया है, ठीक है। इसका साइज़ कितना है, 500 MB। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, स्वैप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है स्वैप ऑन, ठीक है, और अब यहाँ पे जो आप फाइल का नाम है वो दे देना, ठीक है, स्वैप ऑन और स्वैप, स्वैप हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। अब जैसे ही अपन एंटर करेंगे हमारी जो फाइल है वो क्या हो गई, जो स्वैप मेमोरी है या फिर स्वैप रैम के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। उसके लिए हमें एक कमांड डालनी पड़ेगी, free-m। तो आप लोग देख सकते हैं पहले जो मेरा साइज़ था स्वैप का वो 2 GB के लगभग था, अब और इसमें अब क्या हो गया, इसमें 500 MB का साइज़ इंक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेगुलर फाइल को स्वैप के रूप में यूज़ ले सकते हैं। दोस्तों एक रिकमेंडेशन है, जो मतलब कि अगर आप स्वैप को क्रिएट करना चाहते हो तो जो हमारा हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसी को स्वैप के रूप में रिकमेंड किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक परमानेंट सोर्स होता है, ठीक है, जिस पे हमारी जो मेमोरी है वो परमानेंट वर्क कर सकती है। अगर आप इस पे अगर जो कोई भी रेगुलर फाइल है उसको आप स्वैप के रूप में कन्वर्ट करोगे तो वो फाइल जितना मतलब फाइल प्रॉपरली वर्क तो करेगी, लेकिन बाय चांस वो अगर किसी ने डिलीट कर दी समहाउ, अगर वो डिलीट हो जाती है तो आपका जो रैम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप स्वैप मेमोरी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो जो हमारा हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसी को कन्वर्ट करके करें। ये एक हमारा टेम्परेरी मेथड है, या मतलब कि हमारा जो बहुत अर्जेंट होता है तभी कि उस केस में हम इसको यूज ले सकते हैं, वरना ये किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कोई भी रेगुलर फाइल को एज ए स्वैप मेमोरी के रूप में यूज लें। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है स्वैप ऑफ, ऑन करने के लिए कमांड होती है स्वैप ऑन और ऑफ करने के लिए स्वैप ऑफ, और जिस फाइल को आप हटाना चाहते हैं उसको उसका नाम दे दें यहाँ पे, जस्ट एंटर। और अब दोबारा से अगर आप इसको चेक करेंगे free-m, तो आप देखेंगे कि मेरा जो स्वैप रैम का जो साइज़ था, स्वैप मेमोरी का जो साइज़ था वो डिक्रीज हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम में किसी भी रेगुलर फाइल को स्वैप मेमोरी के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल स्वैप मेमोरी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।